विधायकों से फीडबैक का आज आखिरी दिन है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों से चर्चा। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ विधायकों से आज फीडबैक है। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा फीडबैक लेंगे। और देखिये, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं पीसीसी में जयपुर से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पहले भी, इससे पहले फीडबैक जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ था, विधायक अलग अलग जगह से पहुंच रहे थे और संभाग वाइज ये बनाया गया था कि कौन कौन से संभाग के विधायक कब कब पहुंचेंगे। और अगर आज की बात करें तो आज भी विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी। हालांकि विधायक पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार वो हो रहा था, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के विधायकों से आज फीडबैक लिया जा रहा है। ये विधायकों से फीडबैक का सिलसिला शुरू हुआ है और आप इसे चुनावी रणनीति कह सकते हैं। इस रणनीति के तहत अब आगे कांग्रेस अपना अगला कदम बढ़ाएगी। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ नवाचार कर सकती है कांग्रेस, योजनाओं को लेकर किस तरह से जो लोग हैं उनमें जागरूकता है, कितना लाभ उनको मिल रहा है, महंगाई राहत की बात हो या फिर बात हो कि विधायकों में, विधायकों को लेकर किस तरह से रवैया आम लोगों का है, सरकार के प्रति कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज फीडबैक का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो रहा है, जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों से चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, जरा सबसे पहले अपडेट दें, क्या फीडबैक अब शुरू हो रहा है और सबसे पहले किसके साथ ये विधायक, किस विधायक से ये फीडबैक लिया जाएगा? देखिए, पहले बीकानेर संभाग है और जैसा आपने कहा मुझे कि काफी बातें आपने बताई कि क्यों ये हो रहा है जी, तो बड़ा बात यही है कि चुनावी साल में घर कैसे मजबूत रखना है। घर मजबूत नहीं रहेगा, आप चुनावी समर में विरोधियों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंच चुके हैं, सुधीर रंधावा तो इस बार रंधावा का जो टूर है ये अप्रत्याशित तरीके से उनका पूरा प्रभाव देखा जा रहा है। भाई के नाते वो अलग रोल में नजर आ रहे हैं, पूरी तरह 24/7 तो उनकी सक्रियता इस बार राजस्थान के टूर में दिखी है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है सुधीर रंधावा की, इस बार बहुत ही अलग नजर आई है। वो खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, फीडबैक के अंदर पूछा जा रहा है। बीकानेर संभाग भी अच्छा रहा पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए, ये अलग बात है कि कई दिग्गज नेता चुनाव नहीं जीते। बीकानेर को लेकर, बीकानेर से शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, बीकानेर से ऊर्जा मंत्री है माव सिंह भाटी, बड़ा प्रतिनिधित्व बीकानेर को, लेकिन फिर भी जी। बड़ा क्षेत्र है जहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि क्षेत्र है, हम बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ का बेल्ट, यहाँ का प्रतिनिधित्व को लेकर पूरी जो बीकानेर संभाग का जो आभा मंडल है, कांग्रेस का आभा मंडल रहा है बरसों तक, लेकिन पिछले कुछ सालों में तौर से वसुंधरा राजे का प्रादुर्भाव जब हुआ बीजेपी में, उन्होंने बहुत ध्यान दिया बीकानेर की तरफ। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के कई नेता भी छिटके और वहाँ पर आपको ध्यान है कि आज बीकानेर संभाग में ही वसुंधरा राजे का कल दौरा रहा और आज उसी बीकानेर संभाग को लेकर पूरा का पूरा फीडबैक हो रहा है। 26 तारीख को हमेशा डूडी जो किसान नेता है, पूर्व सांसद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वो बड़ा कार्यक्रम बीकानेर में किसान को, ठीक है। और देखिए, इसीलिए ये कह सकते हैं कि लगातार अब जब बीकानेर संभाग से बातचीत होगी यानी विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा तो बहुत कुछ निकलेगा भी, बहुत कुछ मंथन भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी जानकारी के लिए। और नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। नरेश, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि देखिये, जैसा कि योगेश जी ने कहा कि पहले बीकानेर संभाग के विधायकों से बातचीत होगी, फीडबैक लिया जाएगा, क्या कुछ वहाँ के समीकरण कहते हैं और अपडेट दे सके तो अपडेट दे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुके हैं और जो विधायकों से संवाद है वो यहाँ पे चल रहा है। और ये सही है कि सबसे पहले जो बीकानेर संभाग के विधायक है उनसे संवाद किया जा रहा है। उस क्षेत्र के विधायक है, वो काफी देर पहले अधिकांश विधायक यहाँ पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे हैं, मंत्री बीडी कल्ला है, भंवर सिंह भाटी है, गोविंद मेघवाल है,
वो यहाँ पे हैं, और जो कांग्रेस के विधायक है, वरिष्ठ विधायक नरेंद्र बुडानिया है, वो यहाँ पे हैं, और जयपुर संभाग के भी कुछ विधायक अभी पहुंचे हैं, लेकिन हालांकि उनका नंबर बाद में आएगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें, अलवर जिले से संदीप यादव यहाँ पहुंचे हैं, बदरू से गंगा देवी यहाँ पे आई है, लेकिन उनका अभी नंबर नहीं है। पहले बीकानेर संभाग के जो विधायक है उनसे चर्चा होगी। और खास बात माने इन दोनों ही संभागों की, तो अगर हम जयपुर पे फोकस करें तो जयपुर वह संभाग है जिसमें कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की थी, और ये कह सकते हैं जिनके दम पे ही कांग्रेस सरकार में आई थी। खासकर राजधानी जयपुर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी जीत कांग्रेस को मिली थी। तो अब कांग्रेस की फोकस फिर इसी बात को लेके है कि जो सीट जीती हुई है उनको बरकरार कैसे रखे, और जो कम मार्जिन से जो सीट उन्होंने गवाई थी उनको कैसे अपने खाते में डाले, तो इसको लेके मंथन चल रहा है। और क्योंकि कांग्रेस ने अपना सर्वे कराया है, संगठन ने अपना सर्वे कराया है, सरकार ने अपना सर्वे कराया है, जिनकी ए बी सी कैटेगरी बनाई गई है, तो जहां जो विधायक कहीं कमजोर नजर आ रहा है उनसे पूछा भी इसमें जाएगा कि वहाँ क्या ऐसी बात है, क्या ऐसे मुद्दे हैं, और जो कमी खामी है उसके क्या कारण है, और जो विधायकों का अच्छा परफॉर्मेंस है उनको और कैसा बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ चर्चा होगी, संवाद होगा। साथ में जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, बिल्कुल, और विभिन्न योजनाओं पर बातचीत होगी, पूछा जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।